तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, और इस क्लास में हम बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेल का आर्किटेक्चर क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि शीट्स होते, एक फाइल होती है, फाइल के अंदर में शीट्स होते हैं और शीट्स के अंदर में रो एंड कॉलम होता है, और जहां इंटरसेक्ट होता है वहां पे हम डेटा एंट्री करते हैं। हर एक एंट्री का एक एड्रेस होता है, हर एक एंट्री का एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, जैसे कि A1, B1, C1। और एड्रेस जरूरी होता है क्योंकि एड्रेस से ही डेटा को हम लिंक, कैलकुलेट और चीजें करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, तो 20 क्या है, D3 का वैल्यू है। D3 मतलब D कॉलम एंड 3 नंबर रो। ओके सर, तो हर सेल की एक एड्रेस होता है, और जब हम इसका यूज करते हैं कैलकुलेशंस में, जैसे कि हमने सेलेक्ट किया और इसके मान लीजिए हमने प्लस कर दिया, रिजल्ट आया, तो हमने इसमें क्या सेलेक्ट किया हुआ, D3 प्लस E3। तो D3 में D3 की वैल्यू प्लस E3 की वैल्यू में सम हुआ है, राइट। और कभी भी हम वैल्यू को चेंज करेंगे तो ये भी अपने आप को चेंज करेगा। अब बात करते हैं किसी पर्टिकुलर डेटा को हम कैसे बनाएंगे। जब भी एक नई फाइल आप खोलेंगे, उस फाइल को सबसे पहले आप सेव करेंगे। सेव करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप अपने हिसाब से यहां से लोकेशन चूज कर लीजिएगा कि आपको कहां पे और कैसे सेव करना है, राइट। और यहां पे फाइल, और यहां पे बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेल वर्कबुक होता है, तो यहां पे हम डालते हैं। याद रखिएगा इस फाइल में किसी भी तरह का कोडिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सेल वर्कबुक वाली फाइल है आपकी कोडिंग को स्टोर नहीं करती है, इसलिए इस फाइल में कोडिंग नहीं होना चाहिए। एक बोल दीजिए जी, हाँ जी, हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू, जरूर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे आप फाइल का नाम ला लेंगे और फाइल को सेव कर देंगे। याद रखिए हमेशा याद रखिएगा फाइल को आपने किस लोकेशन में सेव किया। अगर इनकेस आप भूल जाते हो कि मेरी फाइल कहाँ पे सेव हुई है, मान लो कि मैंने फाइल को क्लोज कर दिया और मैं भूल गया कि फाइल कहाँ पे सेव किया है, तो किसी भी एक्सेल फाइल को ओपन कीजिए और फाइल में जाइए, और फाइल में जाने के बाद ओपन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखेगा, जैसे दिख रहा है आपको टूडे यहाँ दिख रहा होगा। पिन मतलब क्या हुआ कि मैं इसको हमेशा यूज करता हूं, तो मैं इसको पिन कर दिया हुआ है, यहां से पिन कर सकते हैं। और दूसरा टुडे, आज हमने इस फाइल को ओपन किया है, फाइल सेव का है, पिन इस पे क्लिक करके यहां पे दिख रहा है पिन का ऑप्शन, तो पिन करने से पिन हो जाता है, पिन हो जाता है आपका। तो ये आपका, इससे पता चलता है कि आपका आज ओपन हुआ है, माय डॉक्यूमेंट में फाइल पड़ा हुआ। कर्सर जाते हैं पूरा पाथ आपको दिख रहा है, दिख रहा है सर,
यहां से आप ढूंढ सकते हैं कि आपकी फाइल कहां पे सेव हुई। उसके बाद जिस सीट पे आप सेव करना चाहिए, सीट पे आप करना है, तो सीट का एक प्रॉपर नेम दे दीजिएगा। जैसे मैं यहां पे देता हूं डेटा, तो कैसे नेम देंगे आप, जस्ट इस पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते ही आप यहां पे डेटा लिखिए, यहां पे डेटा टाइप हो जाएगा। ओके, अब मैं यहां पे डेटा एंट्री करना चाहता हूं, तो डेटा एंट्री करते समय मैं कि आपको एक टेबल के लिए, हमें तो पहले एक टेबल क्रिएट करना है ना, तो पहले हमें टेबल जो क्रिएट करना है, तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि आखिर हम टेबल जो क्रिएट करने जा रहे हैं वो क्या चीज का डेटा है, किस तरह का डेटा है और क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन रखना है। तो मान लीजिए कि हम एक सेल्स डेटा, एक सेल्स का डेटा हम बनाने वाले हैं, सेल्स का डेटा बनाने वाले। अब उस सेल्स डेटा में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा, तो सेल्स डेटा के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो एक आईडी होना चाहिए, एक यूनिक आईडी आप अपना सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे। इस चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा, आगे चल के इस चीज का फायदा आपको मिलेगा सर। ठीक है, तो जो हमारा जो आईडी है, अगर मान लीजिए किसी में आईडी नहीं है, ऐसा हो सकता है ना कि इसमें किसी में आईडी ना हो, जिसमें अगर आईडी नहीं है तो उसके लिए आप एक सीरियल नंबर उसमें बना दीजिएगा, एक सीरियल नंबर। मैं बोल रहा हूं कि सेल्स का डेटा मैं बनाने जा रहा हूं, तो उसकी जो पहली कॉलम हम उसकी सेल्स आईडी या यूनिक आईडी जो भी आपके डेटा में वो डालेंगे। यूनिक आईडी नहीं है तो आप एक सीरियल नंबर क्रिएट करेंगे। ओके, तो एक सीरियल नंबर आप इसमें क्रिएट कर लीजिए। और यहां पे फिर डेट, अब आगे का सीक्वेंस आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग या फिर जहां से आप टाइप करना करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे। एमआरपी जीएसटी कमीशन टोटल एरिया लोकेशन। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे हमने बनाया, सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि किस फील्ड में हमें डेटा एंट्री करनी है और कौन सा फील्ड ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, समझे। जैसे कि मान लीजिए कि हम क्वांटिटी और एमआरपी ये देंगे, तो अमाउंट क्या होगा मल्टीप्लाई ऑफ द क्वांटिटी एमआरपी, जीएसटी क्या होगा 18% ऑफ द अमाउंट, कमीशन क्या होगा 2% अमाउंट, टोटल क्या होगा, इन तीनों का टोटल होगा क्या सर। तो इसको आप मैथमेटिकल कैलकुलेट कर ले, क्योंकि जितना हो सके उतना कम टाइप करें। रीजन, एक तो टाइम बचेगा, दूसरा एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। फिर मैं इसका टोटल कर लेता हूं सर। हम बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला नहीं डाल रहे हैं सर। मैथमेटिक्स में कैसे करते हैं भाई, इसको सिर्फ 85 मल्टीप्लाई बाई 365। ठीक है, फिर जीएसटी क्या है, जैसे मुझे 18% चाहिए तो दैट इज मल्टीप्लाई बाई 18%। कैलकुलेटर में करते हैं ना, कमीशन अमाउंट का 2%, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 2% कर लिया टोटल। तो इन सबों का सम करना, तो मैं इसको यहां पे प्लस प्लस भी करके लिख सकता हूं। ठीक है सर, या फिर सम का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूं, राइट। क्लियर, डाउट इसमें, बस हमने टाइप कर दिया यहां पे, आपने नहीं देखा, हमने टाइप किया सम, ब्रैकेट ओपन किया और फिर हमने अपने सम वाले एरिया को सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार दिया।
है कोई डाउट? इसमें अब लोकेशन सॉरी, अब यहां ध्यान रखिएगा कि ऐसे मैं कोई टाइप जो फॉर्मूला है उसको कॉपी करके मैं नीचे की तरफ पेस्ट कर देता हूं। इसको हमने सेलेक्ट किया और यहां से भी कॉपी पे क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल प्लस सी भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां तक पेस्ट करना है वहां तक आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए या फिर कंट्रोल प्लस वी कर दीजिए। मैं अगर डेटा एंट्री करने जाऊँ तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा आईडी नंबर 1 डाल दिया हमने, डेट आज का डाल दिया हमने, यहाँ पे डाल दिया पूजा, क्वांटिटी में सोचती और एमआरपी हमने ये डाल दिया, एंटर मार दें, बाकी कैलकुलेशन होंगे। अब एरिया लोकेशंस के लिए हमें इतना आना पड़ रहा है, दिख रहा है सर आपको, चार कॉलम जाना पड़ रहा है। तो आप जब आप डेटाबेस खुद के लिए बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप जो है टाइप करने वाले चीजें हैं वो एक साथ रखें ताकि आपका 4 सेकंड का टाइम बच जाएगा। टाइप करने वाले को एक साथ रखें और ऑटोमेटिक फॉर्मूला कैलकुलेट माने होने वाले को एक साथ रखें। अब यहां पे देखिए क्या फायदा है, जैसे मैंने यहां पे आईडी नंबर 2 लिया, आज का डेट डाला, सॉरी आज का डेट डाला और यहां पे मैं नेम डालता हूं कि नीरज, हमने यहाँ डाला, हमने यहाँ पे मैंने मान लीजिए पुणे डाला और यहाँ पे क्वांटिटी डाला, यहाँ पे एमआरपी डाला और मैं यही से नीचे आ जाऊँ, ठीक है? बाकी चीज फॉर्मूला है अपने आप कैलकुलेट हो गया। अगर ये एरिया और लोकेशन यहाँ होता तो मुझे 4 बार यहाँ से आगे बढ़ के फिर यहाँ पे एरिया लोकेशन टाइप करना होता, मतलब कि हर एंट्री में हमें 4 सेकेंड वेस्ट करने पड़ते, समझे? हाँ समझ आ गया था। सर लग रहा है आपका इंटरनेट की स्पीड कम है सर। जियो में था, जियो से थोड़ी हो पाया ग्लास ना, जियो का फ्लैट नेटवर्क नहीं होता है सर। हाँ तो जियो का नेटवर्क फ्लैट नहीं होता है, वो अनस्टेबल नेटवर्क होता है सर। देख रहा मेरा स्पीड, देख रहा 37 Mbps आ रहा है मेरी स्पीड। अभी आपकी आवाज तो आती है बट मेरी आवाज आपको नहीं जाती है, मतलब आपके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक हो? हाँ अभी आ रही है सर। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि जब भी हम टाइप करेंगे तो टाइप करने वाली चीजों को एक साथ रखेंगे और ऑटोमेटिक कैलकुलेट होने वाली चीजों एक साथ रखेंगे, इससे क्या होगा कि कर्सर मूव करने का जो टाइम होता है वो टाइम बच जाए। क्लियर है? समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? इस तरह से डेटा बनाएंगे। अब जैसे डेटा हमने बना लिया तो उसकी फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए इतना एरिया में मुझे फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट करने के लिए आपको यहां पे दी गई है टूल। सबसे पहले मान लीजिए हमें बॉर्डर चाहिए तो यहां से प्री डिफाइंड बॉर्डर आप ले सकते हो। क्या करना है, सब पे एक जैसा बॉर्डर नहीं करना, अपने हिसाब से बॉर्डर रखना है। तो आप राइट क्लिक फॉर्मेट सेल पे जाए और इसके बॉर्डर पे आए। अब देखिए ये आपका कॉर्नर का हो गया, ये आपका बीच का हो गया। जैसे कि मैं बड़े वाले ठीक ठीक वाले पार्ट को लेता हूं,
और इसको आरी आरी से यहाँ पे साइड साइड से दे देता हूँ, और फिर मैं डॉट लाइन लेता हूँ, इसको बीच वाले एरिए पे दे देता हूँ, यहाँ से इनसाइड दे देता हूँ। अभी क्या होगा, देखिए अभी होगा कि साइड में देख रहे हैं थिक कलर का है और बीच में जो है ये डॉट लाइन आ गई। ओके, अब इसकी लाइन की कलर की हम बोलिए, हाँ अलग अलग बोल रहा, अपने हिसाब से यहाँ रख सकते हैं। ये आपके पास लाइनिंग के स्टाइल्स हैं, ये आपकी एरिया है, आप कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखना है सिलेक्ट कीजिए और क्लिक कीजिए, वो हो जाएगा। ये आपका कलर है, जैसे मुझे बोर्डर का कलर जो है ये रखना है ब्लू, तो मैं इनसाइड वाले को ब्लू रखना चाहता हूँ। चलिए यहाँ डॉट लाइन जो हमने यहाँ सेलेक्ट किया और डॉट लाइन को, अब यहाँ पे देखिए जो डॉट लाइन है वो हमारा ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमने अपना बॉर्डर ये फॉन्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है कि मैं इसकी फॉर्मेट इस पर क्लिक करूंगा या फिर राइट क्लिक करता हूँ और इस पर मैं फॉन्ट पे आ जाता हूँ। फॉन्ट पे आने के बाद ये हमारे पास फॉन्ट है, जैसे यहीं से कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, साइज यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, डैलिक कर सकता हूँ, या राइट क्लिक करके सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। यहां पे अपने हिसाब से मैंने ले लिया। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। हेलो, ओके, तो यहां से जैसे कि आप अपने हिसाब से फॉन्ट ले सकते हैं। ठीक है सर, यहां से आप बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं और यहां से अपने साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ से आप अपने फॉन्ट की कलर को चूज कर सकते हैं कि फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, और साइड में यहाँ से अगर आपको अंडरलाइन करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, तो चीज़ें आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे आप सिंगल कर दिया तो यहाँ से सिंगल लाइन हो गया, डबल कर दूंगा तो डबल लाइन हो जाएगा। ओके, हो गया, समझ में आ गया सर। मुझे अंडरलाइन नहीं रखना है तो मैं यहाँ अंडरलाइन पर अनचेक कर दूंगा तो अंडरलाइन हट जाएगा। बैकग्राउंड सेल्स की कलर चाहिए तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेट पे आऊंगा और यहाँ हमारे सामने फिल का ऑप्शन है। हालांकि मैं फिल इस पे भी क्लिक करके कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको पूरी परफेक्ट मिलेगा, हर एक चीज मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपके कलर्स हैं, जो कलर सेलेक्ट करेंगे उसी का आप कलर का आपका बैकग्राउंड कलर होगा, राइट right, जिससे मैंने मान लीजिए एक कलर ले लिया, ओके किया, यहाँ पे इस कलर आ गया। अब इस कलर को मैं यहाँ से भी चॉइस कर सकता था, राइट ऑप्शन पे जाके आप यहीं पे यहाँ पे आइए फॉर्मेट में, यहाँ पे आपके सामने एक आता है मोर कलर, मतलब कि इसमें से मुझे कोई कलर पसंद नहीं आया तो मैं मोर कलर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे स्टैंडर्ड और कस्टम दो है। स्टैंडर्ड पे देखिए यहाँ पे कितने कलर थे, अब देखिए हर कलर का अलग अलग शेड आपको दिख रहा है सर, ये ले लीजिए। लेकिन फिर भी कलर नहीं, लेकिन क्या तो कुछ लोग कलर में स्पॉट होते हैं तो आरजीबी नंबर होता है उनके पास, वो नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 145, मैं डाल दिया यहाँ पे 165 और मैंने यहाँ पे डाल दिया 133, समझे। नहीं पता तो आप इस पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। अब ये नंबर क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा, तो क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने एक कलर अप्लाई कर दिया, मान लो मैंने फिल इफेक्ट में गया और मैंने यहाँ पे कोई कलर ले लिया, अब आपको एक कलर नहीं मिल रहा है, ऐसे ही कलर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे फिल इफेक्ट के कस्टम में जाके इसकी नंबर नोट कर लेंगे 102 102 103। अब भी और जगह पे इसको लगाना है तो मैं यहाँ पे फिर इस पे मोर कलर पे आऊंगा और यहाँ पे 102 क्या था सर, 133 था ना, नहीं 103 नहीं था, 130 था क्या, 130 था सर, ठीक है 30 भी नहीं था सर, कुछ और था, मैं नंबर भूल गया, कस्टम पे आता हूँ, 153 था, तो यहाँ पे मैं
153 डाल देता हूँ, एग्जैक्ट मैच हो गया। ठीक है सर, तो कलर सिस्टम समझ में आ गया। ये कलर सिस्टम हर चीज में वही होता है, इस पे भी वही अप्लाई होगा, इस पे भी वही अप्लाई होगा। ओके हेलो, अब अलाइनमेंट की बात करें, प्रेस जी सुन रहे हैं मुझे आप? यहां अलाइनमेंट की बात करें तो यहां हमारे पास ये आपके सामने दिख रहा है, ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट है, ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। तो अपने हिसाब से अलाइनमेंट को सेट कर सकते हो। मर्ज करना, मर्ज करने के बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक टाइटल देना है, तो अब एक से मैं लिखूंगा तो टाइटल छोटा होगा ना सर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कई सारे सेल्स को मिला के मर्ज करके एक बड़ा सेल बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर डेली सेल्स डेटा, यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको, ध्यान से नहीं दिख रहे सर, हाँ क्लिक करने का सर, इसलिए मुझे मर्ज करना है तो सिलेक्ट कर लिया और क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने मर्ज करने के बाद मैं कल इसकी साइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो साइज हम इससे ही बढ़ा सकते हैं। और मुझे अंडरलाइन चाहिए तो मैं यहां से भी अंडरलाइन दे सकता हूं। तो मैं यहां से भी अंडरलाइन दे सकता हूं। तो आपके सामने दिख गई अलाइनमेंट, दिख गई। रैप टेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं, मैंने लिखा सुजीत कुमार। मैं यहां पे क्लिक करके यहां से जैसे मैं रैप करूंगा नीचे आ गया, क्योंकि अभी दिख रहा है लेकिन अगले सेल में जैसे कुछ लिखूंगा ये गायब हो जाएगा। तो रैप, यहाँ तो रैप करने से क्या होगा, ये आपका बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो गया। कॉलम बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर ही सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस पर डबल क्लिक कर दूं, जैसे यहाँ पे कर्सर रखा और इस तरह का आइकन बन गया, मैं डबल क्लिक कर दिया तो कॉलम अपने हिसाब से जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा हो के अलग हो जाएगा। समझे? और अगर मान लीजिए मैं कॉलम भी बड़ा नहीं करना चाहता हूँ और रैप भी नहीं करना चाहता हूँ, तो आप राइट करके फॉर्मेट सेल पे जाएं और यहाँ आपके सामने अलाइनमेंट के अंदर में एक आता है फिट, फॉर्मेटिंग समझ में आ गई सर आपको? फॉर्मेटिंग के बाद आप बात करते हैं कॉपी एंड पेस्ट की। जैसे मैं डेटा बनाया, मुझे इसी सेम डेटा कहीं पे कॉपी करके पेस्ट करना है, तो आप इसको सिलेक्ट कर लें इस तरह से, माउस से सिलेक्ट कर लें, कीबोर्ड सेलेक्ट कर लें और आप इसको कॉपी कर लें और जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे इसको आप पेस्ट कर दें, मतलब कि कंट्रोल वी कर दें, आपका पेस्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, पेस्ट करते समय हमने देखा कि इसकी फॉर्मेटिंग आई, मैं चाहता इसकी फॉर्मेटिंग नहीं आना चाहिए, दिख रहा है सर? मुझे तो फॉर्मेटिंग नहीं आया, सिर्फ जो हमारा डेटा है वो डेटा है। क्या करेंगे हम, इसको कॉपी करेंगे और हम यूज करेंगे पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल होता है, ये जो नीचे ड्रॉप डाउन दिख रहा है इस पे जाएंगे और तो आपको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल दिख जाएगा। ये भी सब पेस्ट स्पेशल की पार्ट है, लेकिन पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो वहां अच्छा से लिखा हुआ एक साथ सारा मिल जाएगा, या फिर राइट करें और यहां पेस्ट स्पेशल पे आ जाए। अब मैंने
फॉर्मूला कर दिया तो सारी वैल्यू आएगी, लेकिन फॉर्मूला वैल्यू में फॉर्मूला आएगी, फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। फॉर्मूला मतलब देखिए यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो सारा आ रहा है। ठीक, कभी कभी जरूरत क्या होती है कि नहीं नहीं मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, मुझे ना फॉर्मेटिंग चाहिए ना फॉर्मूला चाहिए, मुझे नॉर्मल डेटा चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला डालने से मैं कुछ चेंज करता हूँ तो ये अपडेट हो जा रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम कॉपी करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेसर में हम यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करेंगे। वैल्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने वैल्यू आ गई। अब इसमें देखिए फॉर्मूला नहीं है, देखिए जीरो है, देखा फॉर्मूला रिमूव हो गया, इसमें फॉर्मूला था सर, इसमें फॉर्मूला। हमने क्या किया, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में हमने वैल्यू को सिलेक्ट किया। दूसरा मान लीजिए कि मुझे इसमें फॉर्मूला वैल्यू कुछ नहीं चाहिए, मतलब कि मैंने पहले कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ है इसे, फिर अपने हिसाब से चेंज वेंज किया है, अब मुझे इसकी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, इसकी फॉर्मेटिंग है सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें हमने फॉर्मेटिंग फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट आ गया। अब फॉर्मेट तो सिलेक्ट किया लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें मुझे इसमें बॉर्डर नहीं चाहिए, तो पेस्ट स्पेशल में आपका यहां देखिए ऑल स्पेक्ट बॉर्डर है, ओके कर दिया तो सब कुछ आया, बॉर्डर नहीं आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या, कॉलम की साइज भी नहीं आई ना, देखिए अब कॉलम डेट का बड़ा करना पड़ेगा, तो एक ही कॉलम है, हो सकता है आपके डेटा में बहुत बड़ा डेटा हो, बहुत सारे कॉलम्स हो, तो हर कॉलम को बड़ा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना सर। तो उसके उस केस में क्या, तो उस केस में हम राइट क्लिक करेंगे और यहां पेस्ट स्पेशल में यहां पे हम कॉलम विड्थ कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कॉलम विड्थ सिर्फ कॉलम के विड्थ देता है, डेटा नहीं देता है, डेटा के लिए पहले आपको फिर पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ कॉलम की साइज पेस्ट करता है। अब एक चीज आपने देखा था कि जब मैंने कॉपी किया था डेटा, इसको कॉपी किया और मैं पेस्ट एज ए वैल्यू किया या फॉर्मूला किया, आपने चीज देखा कि यहां डेट जो है वो नंबर हो गया, ये ओरिजिनल वैल्यू में आ जाता है, डेट को नंबर में, नंबर ऑफ डेज भी स्टोर करता है सिस्टम, तो नंबर ऑफ डेज आ जाता है। अब कि ना ऐसा ना डेट आए कि बार बार आपको डेट का फॉर्मेट चेंज करना होता है ना सर, तो आप कॉपी करें और पेस्ट एज ए वैल्यू के जगह पे या फॉर्मूला के जगह पे फॉर्मेट एज ए नंबर फॉर्मेट, फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट को पेस्ट करें, ठीक है, तो यहां पे आपका डेट ही आएगा, देखिए डेट आएगा सर, इसका यूज कीजिएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन है जैसे कि आपने कुछ वैल्यू लिया और इसमें कुछ आपने एडिशंस कर दिए हो, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 20 लिख दिया, मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कॉपी करके इस पे पेस्ट करना, लेकिन मैं सिर्फ वैल्यू को पेस्ट करना चाहता हूँ, ब्लैंक को नहीं, मतलब अपडेट किया गया 63 के जगह पे 20 होना चाहिए था, 30 में 30 होना चाहिए था, 36 में 40 होना चाहिए था, जनरली कॉपी पेस्ट करोगे तो ब्लैंक भी पेस्ट हो जाएगा और आपकी वैल्यू डिलीट हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं करना है, तो उस केस में पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए ब्लैंक आपका इसकी ब्लैंक करेंगे तो क्या होगा, और सिर्फ ब्लैंक को छोड़ेगा और सिर्फ उसी वैल्यू को पेस्ट करेगा जिस पे डेटा है आपका, देखा सर। हाँ, इसको कॉपी करके जब मैं इसमें पेस्ट करूंगा तो पेस्ट एज ए इसकी ब्लैंक क्या करेगा कि इस सिलेक्टेड डेटा में जो ब्लैंक सेल है उसको पेस्ट से बाहर कर देगा, जो ब्लैंक सेल है उसको पेस्ट से बाहर। अब
बात करते हैं ट्रांसपोज की। जैसे कि मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल डेटा है ना, कॉपी करो, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में आप यहां ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये वर्टिकल कर देगा, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल करने के लिए ट्रांसपोज को यूज करते हैं। हाँ ट्रांसपोज। तो हमने क्लिपबोर्ड को कर लिया, हमने फाउंड कर लिया, हमने अलाइनमेंट कर लिया, अब बात करते हैं नंबर फॉर्मेट की। ठीक है सर, तीन कैटेगरी होगी हमारी, क्लिपबोर्ड कॉपी पेस्ट हमने बता ही दिया आपको, फॉन्ट हमने बता ही दिया आपको, पेस्ट स्पेशल में। ठीक है, अलाइनमेंट भी हमारा हो ही गया, अब बात करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग की। जैसे कि मान लीजिए हम देश परसेंटेज हम बात करते हैं, सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे 20 लिखा, 20% चाहिए था, 20 और परसेंट का सिंबल देंगे और एंटर मारेंगे तो परसेंटेज में हो जाएगा, 20 और परसेंट का सिंबल दिया। अब इसमें मान लीजिए कि 54 हमने मान लीजिए 54 लिख दिया, फिर इसके ऊपर परसेंटेज देंगे तो क्या होगा, 5400 हो जाएगा। एक्सेल में क्या होता है, इक्वल टू 100% होता है। मुझे बाद में परसेंटेज का सिंबल लगाना है तो 0.54 लिख के फिर इसके ऊपर परसेंटेज देना होगा। इसलिए हमने जो कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन में कहीं भी डिवाइड बाय या मल्टीप्लाई बाय 100 था नहीं था, मैथमेटिक होता है ना सर, नॉर्मल मैथमेटिक में, क्योंकि एक्सेल में जैसे हमने 2% कर दिया तो ऑटोमेटिक वो डिवाइड बाय 100 कर दिया और यहाँ पे 2% दे दिया, क्योंकि एक्चुअल में इसने डिवाइड बाय 100 करके स्टोर किया, 0.02। कैसे देखा हमने, यहाँ परसेंटेज का फॉर्म, यहाँ पे फॉन्ट होता है, फॉर्मेट होता है, मैंने इसको चेंज कर दिया जर्नल में। ठीक है, इसका ध्यान आप रखेंगे। तो परसेंटेज आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 1000 सेपरेटर आता है, जैसे मैंने यहाँ पे 10000 लिखा, 1000 लिखा तो 1000 लगा सकता हूँ, डेसिमल लगा सकते हैं या घटा सकते हैं, या डॉलर की साइन या डॉलर के जगह पे और भी बहुत सारे साइंस ले सकते हैं मोड अकाउंटिंग ऑप्शन में, या फिर आपको अगर और अच्छी तरीके से चाहिए तो आप यहाँ इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ये आपका जनरल फॉर्मेट है, ये आपका नंबर, नंबर फॉर्मेट में डेसिमल प्लेसेस कितना होना चाहिए, 1000 सेपरेटर होना चाहिए, नेगेटिव में क्या दिखना चाहिए वो आप सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो आपका डेट नंबर इसी तरह से दिखेगा। अकाउंटिंग में आप इस पर अपना करेंसी का सैम्बल लगा सकते हैं या फिर करेंसी कोड लगा सकते हैं, जैसे करेंसी का सैम्बल यहाँ सर्च करेंगे हिंदी में आ जाएगा आपको इंडिया का, सॉरी समझ गए। और यहां अकाउंटिंग में सिर्फ आप करेंसी कोड लगा सकते हो या करेंसी का सिंबल लगा सकते हो, उसके बाद डेट, जैसे मैंने आपने यहां पे डेट लिख दिया और इस डेट में मैं अपने हिसाब से कोई फॉर्मेट करता हूं, राइट, अपने हिसाब से कोई भी डेट की फॉर्मेट चूज कर सकते हो, तो आपको डेट कैसा दिखाना चाहते हो, जैसे यहां पर ईयर लिखा तो मैं सिलेक्ट कर लिया, यहां पर ईयर हो गया। सेम उसी तरह से टाइम अगर आपने लिखा और टाइम कैसा दिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे टाइम में जाके टाइम का फॉर्मेट चूज कर सकते हो। अब 37-30% का फॉर्मेट कब चूज होता है, जब टाइम हमारा 24 घंटे से ऊपर का होता है, जैसे 35 घंटे, 40 घंटे, किसी की आपने ओवर टाइम है कुछ कैलकुलेट किया हुआ है, तो परसेंटेज वही होता है जो बाहर आपने यहाँ पे यूज किया है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस में जैसे कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ 2.5, इस 2.5 के ऊपर मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे हाफ लेवल सेलेक्ट कर देता हूँ, 2/2 हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए कि मुझे इस कॉलम में मान चेक नंबर लिखना है, चेक नंबर में क्या है कि 00 लगाता हूँ तो 0 हट जाता है, सिंगल कोड लगाऊंगा और 00 लिख दूंगा। अब पूरे कॉलम में मुझे चेक नंबर ही लिखने हैं तो हर कॉलम में सिंगल कोड क्यों लगाऊं, मैं में जाऊंगा और यहाँ सॉरी इस पे नंबर फॉर्मेट पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे नंबर पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर, राइट,
सिग्नल को लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई फॉर्मूला भी अप्लाई करता हूँ तो फॉर्मूला मेरा परफॉर्म करेगा, बट एंटर मारने पे आपको फॉर्मूला ही दिख जाएगा, उसमें कुछ रिजल्ट नहीं आएगा और फॉर्मूला क्या बोलते हैं वो परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ, टेक्स्ट कर दिया इसके। अगला टॉपिक जो आता है हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग आता है। कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ा सा लेंदी है, इसको हम सर कल पढ़ेंगे। फिलहाल आज जो है आप कॉपी पेस्ट, फॉन्ट अलाइनमेंट और नंबर्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लें। कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा एडवांस भी हो जाता है। तो पहले आप नॉर्मल फॉर्मेटिंग के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर कल उसको चीज़ पढ़ेंगे।